अल्लाह वसल्लम ने जब भी पानी पिया, बकरी के दूध में पानी शामिल किया, शहद वाला पानी इस्तेमाल किया, नबीज़ वाला पानी इस्तेमाल किया, सत्तू वाला पानी इस्तेमाल किया, ऊँटनी के दूध में पानी इस्तेमाल किया, गाय के दूध में पानी इस्तेमाल किया, खाली पेट खाली पानी साबित नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कासरा ज़हका इस्तक्फा बिहक्कि व मन शारिबल माउ अला रीके इन तकसत कुवत और कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा हंसना बायस शर्मिंदगी है, ज़्यादा हंसना अपनी बुक्कत खो देता है, और जिसने निहार मुँह पानी पिया उसकी कुवत कम हो गई। यानी पानी आप पीजिए, लेकिन बात तो ये कहती है कि खाली पेट आप टॉयलेट भी ना जाएं, यानी कुछ ना कुछ आप खा के जाइए। इंजीर का मिल्क शेक इस्तेमाल कीजिए, शहद इस्तेमाल कीजिए, जूस इस्तेमाल कीजिए, कोई ऐसी चीज़ खा लीजिए, तलबीना इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, तलबीना के हवाले से मैंने लास्ट टाइम आपने बात भी की, अमराज कल पर भी बात हुई, अमराज कल पर भी बात हुई, दिल के अमराज। देखिए, दिल का दौरा जो है, सबसे पहला जो दिल का दौरा हुआ वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास, जो सहाबी रसूल थे, उन्होंने कई मील जो है सफ़र किया, कई मील सफ़र किया, लेकिन उसके बाद उनको दिल का अटैक नहीं हुआ। और आज दिल का मरीज सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, यानी जो भी दिल का मरीज है वो हर हाल से जो वाबस्ता है हॉस्पिटल से। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास की ज़ुबानी रिवायत करते हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, मरस तो मरजन अतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवज़ा यादी बैना सदबी हत्ता वजदतु बर्दुहा अला फवादी फकाला इन्नाका रजुलन मफ़ुदातिल हारिस इब्ने कुलता अखा सकीफो फइन्नहु रजुलन युतब्बिबु फलयकुस सबअ तमरातिन मिन अजवतिल मदीना फलयजाउन्ना बिनवाहिद सुम्मा लियल्दिलु कबिन औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं बीमार हुआ, मेरी अयादत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा और उनकी हाथ की सारी ठंडक मेरी सारी छाती में फैल गई। फिर उन्होंने फरमाया, इन्हें दिल का दौरा हुआ है, इन्हें हारिस बिन कुलदा हकीम जो हैं उनके पास ले जाएं, और हकीम को चाहिए मदीना की 7 अदद खजूरें गुठलियों समेत पीस कर इन्हें खिलाएं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब हाजिक भी थे, दवा भी बता रहे हैं और हकीम की तरफ रेफर भी कर रहे हैं और साथ में इलाज बता रहे हैं तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अभी जो मौजूदा है यूट्यूब पर आप देख ही सकते हैं, यानी जनरल मिजाज़ का बेग साहब जो है वो इसी तिब्ब नबी नुस्खा से ठीक हुए, मलिक रियाज साहब हैं वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, उन्होंने भी इसी तिब्ब